शादी के 10 साल के बाद एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने विवाहिता की मौत के बाद हत्याओं की धाराओं में केस दर्ज कर पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ नामजद मामला बनाया है। विवाहिता के भाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। जांच कर रही करदनी पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली अश्विनी ओझा ने मुकदमा दर्ज कराया है। अश्विनी ने बताया कि बहन की शादी साल 2012 में की गई थी। शादी के बाद से पहले पति पुष्पेंद्र परेशान करता था, शराब पीकर मारता पीटता था। बीच में कुछ साल वह पत्नी को छोड़कर भाग गया, बाद में वापस लौटा तो फिर से मारपीट करने लगा। भाई ने बताया कि बहन की गृहस्थी बचाने के लिए कई प्रयास किए गए, बहन को अलग कमरा दिलाकर ताकि ससुराल पक्ष दहेज के लिए परेशानी खड़ी ना करे, लेकिन फिर भी बहन नहीं बच सकी। कुछ दिन पहले उसका पति वापस लौटा और उसे अपने साथ वापस ले गया। उसके साथ फिर से टॉर्चर होने लगा। अश्विनी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को बहन के ससुराल से फोन आया कि बहन बीमार है। वहां पहुंचने पर पाया कि वह बेड पर सो रही है और रजाई ओढ़ी है। जब डॉक्टर ने जांच की तो बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने शिकायत लेकर हत्याओं की धाराओं में पति और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।